लक्सर में हुए अज्ञात बदमाशों द्वारा पुलिसकर्मियों पर चर्चित गोलीकांड में अब एक नया मोड़ आया है, जिसके तहत हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल ने खुद बदमाशों की संख्या बल अधिक होने की पुष्टि करते हुए भी बताया है। गोलीकांड प्रकरण का जुड़ाव प्रथम दृश्य एक स्थानीय व्यापारी वर्ग के व्यक्ति विशेष से संबंधित प्रतीत पाया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि एक हफ्ता पूर्व कोतवाली पुलिस के समक्ष इस मामले की शिकायत भी कई व्यापारियों द्वारा की गई थी, जिसका संज्ञान खुद हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक की ओर से भी गंभीरता से लिया गया था। शिकायत के मुताबिक स्थानीय व्यापारी और उसके घर की कुछ अज्ञात नकाबपोश बदमाशों द्वारा निरंतर रेकी की जा रही और इसी के चलते पुलिस बल की मुस्तैदी भी बढ़ाई जा चुकी थी, जिसके बाद रविवार की शाम पुलिस बल की मौजूदगी में बदमाशों को देखा गया था। ये करीब एक सप्ताह पूर्व जो यहाँ के एक व्यवसायी हैं उनके द्वारा पुलिस में एक संज्ञान में एक बात डाली गई थी कि कुछ बदमाश इनके यहाँ पर लगातार इनको फॉलो कर रहे हैं, और वो मेरे भी संज्ञान में ये बात थी। हम लोगों ने इसमें अभियोग पंजीकृत करके वहाँ पर जो आवश्यक हमारा पुलिस बल है वो नियुक्त किया था, क्योंकि हमें बार बार ये पता लग रहा था कि कुछ लोग उनके घर की रेकी कर रहे हैं। और हमारा जो पुलिस बल यहाँ मौजूद था, आज के दिन जब ये संज्ञान में आया कि कुछ यहाँ बदमाश लगातार दिखे जा रहे हैं, तो उन्होंने साहस का परिचय देते हुए दोनों हमारे जो पुलिसकर्मी हैं और आप यहाँ के जो लोकल व्यवसायी हैं, जब उन्हें पकड़ने की कोशिश करी, जब बदमाशों ने भागने की कोशिश करी, उनके द्वारा फायरिंग की गई, क्योंकि बदमाश संख्या में थोड़े ज़्यादा थे, इसलिए पुलिसकर्मी घायल होने के बावजूद उनको पकड़ने की कोशिश करते रहे। हालांकि बदमाश इसके बाद भी यहाँ से निकल के चले गए, लेकिन हम जल्दी इसको वर्कआउट भी करेंगे।